एक मरतबा फिरौन के सामने शैतान जाहिर हुआ और इसने फिर से पूछा कि तुझे किसने खुदा बनाया है और तेरे अंदर ऐसा कौन सा कमाल है कि तू अपने आप को खुदा समझ बैठा तो फिरौन ने कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है मेरे पास बहुत सा सोना चांदी हीरे जौरात हैं और मैं बहुत बड़े मुल्क का मालिक हूँ शैतान ने पूछा और क्या है तेरे पास पिरौन ने कहा मेरे पास अंदरूनी ऐसी ताकत है जो तेरे पास नहीं है इसने कहा कि दिखाओ पिरोन ने फौरन हुक्म दिया कि इसी वक़्त एक हजार जादूगर बुलाए जाएं और वो सब मिलकर इस शैतान को अपनी फोंकों और असर से उड़ा दें और उन्होंने अपना जादू दिखाया शैतान को भी अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म दिया है शैतान ने एक फूंक मारी जिससे सारे जादूगरों के असरात खत्म हो गए दूसरी मर्तबा फिर इन एक हजार जादूगरों ने अपना जादू दिखाया शैतान ने फिर एक फूंक मारी जिससे फिर इनका असर खत्म हो गया और जादूगरों ने फिर आखिरी जादू दिखाया शैतान ने फिर एक फूक मारी और हंस कर कहने लगा कि अगर ऐसे ऐसे एक हज़ार जादू भी दिखाओगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है सब हवा में तहलील हो जाएगा ए फिर याद रख मुझे अल्लाह तला ने ऐसी ऐसी चीजें अता फरमाई हैं लेकिन फिर भी अल्लाह तला ने मुझे अपना महबूब नहीं बनाया और मुझे अपना फर्माबरदार बंदा मानने से इनकार कर दिया और तू खुदा का नाफरमान है तू रब कैसे हो सकता है कराम इस वाक़ा के बाद लिखते हैं कि इंसान अगर खुदा की नाफरमानी शहवत की वजह से कर ले तो तो इसका गुना अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं लेकिन अगर कोई तकबर और गुरूर करे इसकी तोबा की तोफीक नहीं देते यानी तकबर और गरूर की वजह से तोबा जैसी नमत से महरूम हो जाता है अल्लाह ताला हम सब को तकबर और गरूर से बचाए आमीन सम्मीन